मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में एक 7 साल के नाबालिग लड़के को उसी के माँ बाप ने गर्म लोहे से उसके बदन पर कई जगह पर चटके दिए हैं। हम आपको बता दें कि लड़के की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि उसके बदन पर कई जगह पर जलने के निशान हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कुछ लोग स्थानीय लोगों ने इस लड़के के माँ बाप को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। बताया जा रहा है कि लड़के का जो पिता है वो सौतेला पिता है, जिसका नाम शरीफ है और माँ का नाम तारावती है। तारावती के पहले पति का नाम राम नरेश है, मगर तारावती अपने दूसरे पति शरीफ के साथ रशीद कंपाउंड बॉस्को स्कूल के पास में रहती है और सौतेला बाप है शरीफ और इसकी जो लड़के की माँ है तारावती, इन दोनों ने मिलकर ही इस बच्चे को पैसे चोरी करने के आरोप में इसे कई जगह पर चटका दिया है। और इस बच्चे का सौतेला पिता शरीफ ये जब मुंब्रा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था उस वक्त हमने पूछा इससे, तो इसने बताया कि पुलिस के सामने हमने गलती कबूल कर ली तो पुलिस ने बिना शिकायत दर्ज किए ही उन्हें छोड़ दिया है। हालाँकि इस पूरे मामले में हमने तारावती शरीफ और जिस चौल में रशीद कंपाउंड के ये लोग रहते हैं वहाँ पर रहने वालों से भी बातचीत की है। क्या कुछ इन लोगों ने कहा है सुनिए। आपने जलाया है आपके हस्बैंड? हाँ। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? राम नरेश। और जो अभी अंदर है ये कौन है? जलाया कौन? जलाया कौन? उसका नाम बताओ। दूसरा कौन है? ये शरीफ। शरीफ कौन है? ये इनके हमारे दोस्त है। तुमने जलाया कि शरीफ ने जलाया? तो हमसे बोलना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, तुमने जलाया या शरीफ ने जलाया? हम जलाया। तुम जलाए? बोला शरीफ ने जलाया। शरीफ क्या लगते हैं आपके? रिश्ता में हमारा कोई नहीं। तो फिर क्यों मारा उसने जब तुम्हारा कोई नहीं रखा? हमारा कोई नहीं है, मगर उसके बाप का रिश्ता है तो उनके दोस्ती वही हुआ, तो उनके दोस्ती में आई हमको छोड़ दी उनके बल पर कि जाओ जब तुम्हारा मन हुए तस्तु करो, तो उनके हाथ हम पकड़ लिए। के हाथ पकड़ लिए? शरीफ के हाथ पकड़ लिए, यानी शरीफ के साथ रहा लगे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? शरीफ। ये आपकी क्या लगती है? वाइफ है। वाइफ है इनके? तो अपने हस्बैंड का दूसरा नाम बता रही है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? राम नरेश बता। राम नरेश बता रही है? हाँ, साथ में रहते हैं। तो कैसे आपने कैसे इनके साथ शादी कर ली है फिर आप शरीफ? ये जो है मर्जी से किया, अपने मर्जी से किया। तो अभी वो बच्चे को क्यों जलाए आप लोग? मैं नहीं जलाया। किसने जलाया? इसने जलाया, लेकिन मोमबत्ती से जलाया था, कुछ तटका लगा उसको। मोमबत्ती से नहीं? अरे तो बता ली चम्मच से जलाए, बच्चा भी बता रहा है चम्मच से जलाए। तो अभी आपको पुलिस ने पकड़ा था, क्यों छोड़ दिया? बोले गलती कबूल कर लो, दोबारा से गलती मत करना बोला। पहले क्या हुआ था कि ये जो पैसे वही थे चोरी की बात, तो उसने क्या किया था कि उसने झूठ बोला, खाली इतना ही थी उसकी गलती कि उसने झूठ बोला कि मेरी मम्मी से मैंने लिया, दुकान वाले भाई ने आके बोले, बल्कि पैसा ये घर में किसी का भी नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पहले उसको पंचों से फसलियों पे मारे, वो मेरे घर पे आ गया था। अब गाड़ी का टाइम होने को सिर्फ 1 घंटा था, वो आके चेयर पे बैठा था। मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि इसको क्या हुआ, तो मम्मी बोले ऐसी ऐसी गलती किया, झूठ बोला तो उसकी माँ ने मारी करके। तो मैं उसको तकिया दी, मैंने बोला सो जा। फिर मैं 10 बजे यहाँ से आई अपने ससुराल, मतलब अपने घर चली गई। फिर बाद में मेरे को दूसरे दिन में आई तो पता चला कि शुभम को पूरा हाथ पर जला। मैं बोली ये तो बोले, जब रात को रिटर्न घर पे आधी रात को गया था सोने के लिए, तब उसके मुंह के अंदर कपड़ा डाल के दोनों हाथ पीछे बांध के उसको फिर जलाया भी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुन्नी है। यहाँ पर एक शुभम नाम के बच्चे को जो है उसके माँ और बाप ने शायद उठकर चम्मच से उसके झटका दिए। हाँ सही बात है। क्या यहाँ पर हमेशा इसी तरह? हाँ हमेशा ही होता है, और दोनों बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, तो हम लोग चाली वाले आके बचाते हैं तो वो छोड़ देती। अब उस दिन देखो तो बच्चे ने 500 रुपया चोरी करा, वही बावजूद में वो औरत ने इतनी बुरी तरीके से उसके दूसरे आदमी ने चम्मच से इतनी बुरी तरीके से बच्चे को जलाए। फिर उस दिन भी रात में बच्चा चिल्ला रहा था, तो बाजी वाली भाभी की मदद लेके मैंने गेट खुलवाई। मैं बोली देखो, मैं बोली बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे, ये हम लोग ने आंखों से देखे। इधरी तो खड़े रहके आदमी चड्डी के ऊपर लेटा हुआ था और वो सर पे पल्लो लेके हाथ में मोमबत्ती बिस्ती लेके हमने आंखों से देखे उसको चटका इतनी बुरी तरीके से दिया गया।